बदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड न्यूज। आज मैं जिस गाने को गुनगुना रहा हूँ, आप सभी जानते हो इस गीत को लिखने वाले राइटर गीतकार भारत के सबसे प्रसिद्ध लिरिकिस्ट शकील बदायनी साहब ने लिखा इस गीत को और आवाज दी सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी साहब ने। जी हाँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहूँगा, आज मैं उसी पावन जगह पर यानी कि बदायूं पहुँचा हूँ और यहाँ पर शकील साहब के बाद दूसरा नाम जो इस दुनिया में फेमस हो रहा है, आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या टिक्की, जो भी ऐप्स होते हैं सोशल मीडिया के, इंटरटेनमेंट के जितने भी ऐप देख रहे हैं आप, उस पर आपको एक चेहरा दिखाई देगा। वो चेहरा आपके आज रूबरू है। मैं बात कर रहा हूँ बदायूं क्वीन यूपी 24 वैष्णवी जी से। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जैसा कि आप सभी ने जाना, लेकिन इसके अलावा भी वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं और हरफन मौला यानी कि ऑलराउंडर आर्टिस्ट हैं। वो एक चित्रकार हैं, वो एक गीतकार भी हैं, वो एक स्क्रिप्ट राइटर लेखक हैं, जो फिल्मों की जो स्क्रिप्ट होती है वो लिखते हैं। आज हम उनका इंटरव्यू लेने अपने चैनल के माध्यम से पहुँचे हैं। सबसे पहले हमारी चैनल की तरफ से आपको मिलियंस जो आपके दर्शक हैं उनके वो पाने के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ हमारे चैनल के माध्यम से कि आपने इस छोटे से गांव बेला यानी यूपी 24 का गांव, बधाइयों का गांव, एक बेला गांव है, उस गांव से आपने पूरी दुनिया में नाम कमाया। कहने का मतलब ये कि कला किसी की मोहताज नहीं होती है, इसीलिए कहा गया है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। इन हौसलों की उड़ान आपने देखना है। मैं आपको बात कराता हूँ और पूछते हैं कि उन्होंने कैसे अपना सफर शुरू किया है। वैष्णवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आप बताइए किस तरीके से आपने अपनी, मैंने अपने करियर की स्टार्ट लाइकी ऐप से की थी, जो एक चाइना का ऐप था और वो बंद हो गया। उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद में टिकटॉक पे गई, लेकिन लाइकी टिकटॉक साथ साथ बंद हुए थे। उनसे हमने गांव वाली वीडियोस बनाई, उनसे ज़्यादा पहचान मिली हम लोगों को, जो गांव में खेत खलिहान में हम लोग वीडियोस बनाते थे, मैं और मेरे साथ में छोटी बहन एकता, हम लोग बनाते थे मतलब शुरू से वीडियोस, तो उनमें हमें ज़्यादा अच्छा मतलब रिस्पांस मिला। उसके बाद सब ऐप बंद होने के बाद स्नैक ऐप आया, स्नैक ऐप पे मेरे 4 मिलियन फॉलोवर हो गए थे यानी कि 40 लाख, तो मतलब सर उस पर भी अच्छा खासा मतलब रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद वो भी बैन हो गया, क्योंकि जितने भी ऐप पे मैं काम करती थी वो धीरे धीरे बैन होते गए, सारे रास्ते बंद होते गए, सब रास्ते बंद होते गए, मतलब इस परिस्थिति का सामना मतलब करना पड़ा इस हिसाब से। फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे आई, सब तरफ वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि सब ऐप बंद हो चुके थे। फिर हमने कहा क्यों मेहनत करें हम, फालतू में मतलब सही नहीं लगता था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इंस्टाग्राम पे बना लेते हैं आईडी, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया, मुझे इंस्टाग्राम पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मुझे मोज का कॉल आया, मोज से सर जो इंडिया का ऐप है अभी इस टाइम पे, तो उस पर मेरे इस टाइम पे 25 लाख फॉलोवर हो चुके हैं कंप्लीट, और वहाँ पे मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत थैंक यू सर। बताना चाहूंगा सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग अपनी ड्राइंग से की थी, मैं खुद पूछता हूँ कैसे आपने। सर ड्राइंग बनाने का मुझे पहले से बहुत शौक था, मतलब मुझे ड्राइंग आर्ट मेहंदी वगैरह ये तो मतलब बहुत ज्यादा शौक था। अभी भी मैं दुल्हन वगैरह मतलब ब्यूटी पार्लर का वो कर रखा है मैंने, तो अगर मैं करती हूँ तैयार वगैरह, तो मुझे सर आर्ट का तो बचपन से ही शौक था कि मैं पेंटिंग बनाऊँ हर तरीके की, और मतलब बस यही कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट लव मुझे लगता है आर्ट है। आर्ट है सर, आर्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया की तरफ से दिखा लूं मैं या फिर मैं मतलब अपने घर क्रिएशन अपना, हाँ हाँ okay. मतलब वो आर्ट ही है। पहले वैष्णो जी अकेला करती थी, मतलब जो भी काम रहता था यूट्यूब वगैरह का सब अकेले होना था इसका चीज, फिर लोगों ने भी कुछ गलत कहा, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो लोग जरूर गलत बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे जी, लोग का क्या कहना काम है, लेकिन हमें अपना काम करना जी जी। फिर हमारे घर वालों का शुरू से सपोर्ट रहा है, हमारे घर वालों ने कभी कोई काम के लिए मना नहीं करा, सपोर्ट करा पूरा। लेकिन जब बैठने भी करती थी तो गांव वाले भी मतलब कहते थे कि ये क्या कर रही है, पागल बंदी, पागल हो गई है जी जी, इन कामों में लगी, इन कामों में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, अच्छा। और अभी लोग हमसे मिलने आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता, तो देखते हैं और जलते हैं,
कोई भी खुश नहीं होता, जलने वाले बहुत है। और फिर स्टार्टिंग से वैष्णव भी अकेले करती थी, फिर मैंने करना स्टार्ट करा तो और अच्छा काम होने लगा, क्योंकि साथ में जो काम करते हैं ना तो अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने टीम भी तैयार करी और अभी शॉर्ट स्टोरी वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं और कहां कहां से? हमारी टीम में एक अवनीश कुमार है जो भैया लगला के हैं, उनका मतलब विलन का रोल रहता है, सबसे अच्छा रोल करते हैं। दूसरे नंबर पर कस्तूरी सिंह है, कस्तूरी सिंह का मतलब रोल रहता है, वो हमेशा मतलब बहुत अच्छी एक्टर है और मतलब एक्टिंग की बेस्ट है हमारे टीम में। एक मनु पटेल है, वो भी एक्टिंग की बेस्ट है। प्रिया पटेल है, वो भी एक्टिंग में बेस्ट है, मतलब लड़कियां हैं, चार लड़कियां मेरे साथ काम कर रही है। और अवनीश भी, और कौन है, बहुत ऐसे तो टीम में बहुत लोग हैं। और आपने एकता का नाम लिख लिया, एकता तो हमारी शुरू से टीम में ये तो एकता आपको कैसा लगता है दीदी के साथ? अच्छा लगता है। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा, सेवेंथ में पढ़ते हैं। और आपने एजुकेशन में क्या किया है? मेरा सर बीए फाइनल हो चुका है, बीएससी पीसीएम से थी मेरी फर्स्ट ईयर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बीएससी छोड़ना पड़ी। उसके बाद मैंने बीए फाइनल मतलब प्राइवेट करा है। तो क्या इसमें एजुकेशन लाइन में कुछ करने का अलग, जैसे आप स्टार तो हैं सर, आर्टिस्ट? सर मेरा टीचिंग रहता है सामना, उसके बाद मतलब हम जैसे लड़कियां आईएएस ऑफिसर बनती है, एक गरीब लड़की आईएएस ऑफिसर बनती है, इस तरह से मोटिवेशनल स्टोरी दिखाई है हम लोगों ने। देखिए एक कहावत है ना कि दिल में अगर जज्बा जुनून है आपके तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है। और हर इंसान के जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलता है, लेकिन उस गड़बड़ को सही करना एक सच्चे इंसान का काम होता है। और आत्मविश्वास से हम ये सब कर सकते हैं। हम मानते हैं कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होता है, पर्दे के पीछे कितनी मेहनत की होती है उस शख्स ने। शिवानी और जैसे शिवानी है अपने सोशल मीडिया पे, आप वैष्णवी हैं, तो इन लोगों ने पर्दे के पीछे कितनी मेहनत की है, कितना समय इंतजार किया है, जो आज मिलियंस सब्सक्राइबर हैं उनके, मिलियंस दर्शक हैं उनके। और हर ऐसा कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है जिस पे इनको आप देख ले पाएंगे हर जगह। तो बॉलीवुड की तरफ क्या इरादा है? अगर कोई टीम या कोई प्रोडक्शन हाउस आपको मौका दे काम करने का अपने किसी एल्बम में, या इससे पहले किसी ने ऑफर किया है आपको, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हरिहर एल्बम में मतलब ऑफर आया था, भोजपुरी में भी आया था, लेकिन घर में मतलब पापा ने ये के बोल दिया कि मतलब पहले अपना कर लो, इसलिए मैंने सोचा पहले अपना कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे कोई मौका मिलता है सर आगे। हमारी अभी न्यू वीडियो शूट होने को है, स्टोरी लिख चुकी है हम लोगों ने, अंडरवर्ल्ड नेम ऑफ द टॉपिक है। अच्छा जी, और अभी काम जोरों से चल रहा है और हमें अच्छा लगता है, आप लोग हमें सपोर्ट करते हो, जितने भी लोग हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, खासकर मीडिया वाले लोग हैं, ब्लॉगर वगैरह हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल के द्वारा हमारे दर्शकों को आप क्या कहना, क्या मैसेज देंगे, मतलब कभी हिम्मत नहीं हारे, इस तरह से कुछ मोटिवेशनल मैसेज आप देना चाहेंगे? बस आप लोग हिम्मत मत हारिए, जो भी लोग हैं यहाँ पे मतलब इतने मिलियन मतलब सब्सक्राइबर हो रहे हैं, बस हिम्मत मत हारिए। मेरे हिसाब से यही है कि एक साल हो, दो साल हो, तीन साल हो, अगर आप में हुनर है तो कामयाबी मिलना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने शुरू में ही कहा था, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने, जरूर जरूर कुछ नहीं था, हौसला आपको रखना होगा, भले आपको 10 साल लग जाए, 20 साल, लेकिन जो हक आपका है, जो आपका हुनर है, उसको कदर करने वाला कोई ना कोई तो आएगा। सर मेरा बस एक ही सपना है कि मैं मुंबई को बधाई जिला में ही बनाऊंगी, जो यहाँ के लोग मेहनत करके जाते हैं वहाँ उतनी उस हिसाब से मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। अगर अच्छे कलाकार भी है तो सर हमेशा आजकल पैसे को ज्यादा बड़ा समझा जा रहा है, इंसान का जो टैलेंट है उसे छुपा दिया जाता है। अगर बाहर कोई जाता है शहर में तो पैसे को, अगर किसी की एक्टिंग मतलब बिल्कुल भी नहीं है तब भी उसको पैसे के बल पे ले लिया जाएगा सर, लेकिन ऐसा है कि जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं, गांव के बच्चे, वो कहाँ मुंबई जा पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने जिला बदायूं में रह के जो यहाँ के लोग हैं और आसपास के एरिया, जैसे बरेली हो गया और मतलब जो मंडल में लगते हैं हमारे, जो आसपास के मतलब समझ लीजिए सर, यूपी के ही समझ लीजिए सर, तो मतलब जो हमारी वीडियोज में मतलब काम वगैरह करना चाहते हैं, तो मेरा मतलब यही सपना रहेगा कि मैं आगे को एक मूवी क्रिएट करूँ। अच्छा अच्छा, आपको बताना चाहेंगे बधाई शहर की एक और शख्सियत के बारे में, जितना भी बॉलीवुड का म्यूजिक ऑल ओवर इंडिया में आप देख रहे हो, वो म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ जितना भी निकला है या शिष्य कहेंगे यहाँ से निकले हैं, वो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा उस्ताद राशिद खान साहब का, जिन्होंने यहाँ पर बचपन में रहकर रामपुर सहसवान बधाई घराने में संगीत की तालीम ली और फिर जाकर पूरी दुनिया में नाम कमाया। आज उनके शिष्यों में सोनू निगम, बड़े बड़े सिंगर्स उनके शिष्यों में हैं, तो कह सकते हैं कि ये जो सरजमी है, ये कला कलाकारों की सरजमी है
और यहाँ पर कलाकार पैदा होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम एक छोटी सी गांव से निकलकर पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं, बशर्ते आपकी आर्ट में सच्चाई होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पर, शर्म नहीं होना चाहिए अभिव्यक्त करने की, यानी जिस क्या बोलता है यहाँ पर कि जिसने की शर्म उससे फूटेगा, आप अपने शब्दों में जिसने करी शर्म भागे फूटेगा करम। देखिए लोक भाषाओं का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे संविधान में इसको अधिकार मिला है लोक भाषाओं को, और अपने अपने क्षेत्र की एक लोक भाषा होती है, एक बोली होती है जिसे कह सकते हैं मातृभाषा। मतलब मातृभाषा का मतलब है कि माता के मुंह से निकली हुई वो भाषा जिसे बच्चा सीखकर अपने आसपास का जो वातावरण है उस तरह से बोलता है। तो हर जगह भाषा बदल जाती है और इस तरीके से यहाँ की भी एक भाषा है, कह सकते हैं ये मथुरा प्रांत कहा जा सकता है, 84 कोस दूरी का जो क्षेत्र है उसमें बदायूं भी कहीं ना कहीं आता है। तो कह सकते हैं यहाँ की जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज ने इनको, उसी भाषा ने, उसी कल्चर ने, जिसकी लोग मजाक बनाते हैं, जिसका हंसी उड़ाते हैं, और उसी भाषा ने, उसी कल्चर ने इनको आज मिलियंस सब्सक्राइबर, मिलियन चाहने वाले दिए हैं। तो आप किसी भी चीज़ को कमज़ोर मत समझिए, चाहे वो गांव की हो या शहर की, और अगर आपके अंदर ये जुनून और ये हिम्मत है अपनी अपनी कला को दिखाने की अपनी तरीके से, तो आप जरूर कामयाब होंगे। जो कमजोरी लोग आपकी कहें कि आप में ये कमी है, आप गांव की भाषा यूज करते हो या फिर आप में थोड़ा शहर वाला नहीं है, तो आप उस चीज को अपनी ताकत बनाइए, जो आपकी कमजोरी है उसको ताकत बनाना है और निरंतर आगे बढ़ना है। तो आज के इस एपिसोड में आपने मोटिवेशनल स्टोरी में शख्सियत जो हमारा एपिसोड है उसमें आप बधाइयों क्वीन वैष्णवी जी से मिले हैं और उनसे वार्ता की हमने, हम फिर से पुनः एक बार आप पूरी टीम को धन्यवाद देंगे और कंग्रेचुलेशन नैनी मैनी कि आप जल्द से कुछ अच्छा करें और आपका नाम इसी तरीके से पूरी दुनिया में होता रहे और एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपका हो और जो नए कलाकार हैं उनको मौका दें आप और निरंतर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। इसी के साथ नमस्कार, आप सभी से विदा लेंगे साथियों। और आपको ये कैसा वीडियो लगा, क्या आपके अंदर कोई हुनर है, क्या आप कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी कला को तराशिए और अपने हुनर को पंख दीजिए। बस इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।